खबर मिली है, आप अब की बार भी आकर जिला पूर्णिया के पश्चिमी क्षेत्रों के दौरे पर जा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जहां पहले ही से ही रोशनी है वहां चिराग जलाने से क्या फायदा, अंधेरे में चिराग जलाओ तो कोई बात बने। अगर उस क्षेत्र में समस्याओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है पूर्णिया में तो वो अमोर बैसा और बायसी का क्षेत्र है। महोदय, वहां के विस्थापित लोग, वहां की कटती हुई बस्तियां, वहां के लटकते हुए रसेली और खाड़ी के पुल और वहां के परेशान हाल लोगों को बड़ी आशा है आपसे कि काश आप वहां का दौरा करते तो शायद उन लोगों के भाग में, उस सरजमीन के भाग में एक इनकलाब पैदा होता। महोदय, ये रहा है तरीका, यही रहा है कि जब भी कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सबसे पहले वो क्रिटिकल पेशेंट को देखता है। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है लेकिन जो बीमार बच्चा होता है उसके सर पर हाथ रखती है। हमारी हथेली नाक और रुखसारों को भी छूती है लेकिन पैर में जख्म हो तो दौड़कर वहां चली जाती है। आपसे विनती है कि आप अमोर बैसा आने का कोई न कोई रास्ता बनाइए। हमें बड़ी आशा और उम्मीद है कि आपके आने से अमोर बैसा के साथ जो नाइंसाफी होती रही है उसको इंसाफ मिलेगा। आप इंसाफ के साथ तरक्की के दावा करने वाले वजीर आला हैं। हम आपसे इंसाफ की तवक्को भी करते हैं, हमदर्दी की भी तवक्को करते हैं और बाद को मसाइल के हल होने का जो कुछ भी होगा, आप एक मरतबा सिर्फ अमोर बैसा पधार लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता का कल्याण हो जाएगा। हमारा साफ विश्वास के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और आपको न्योता मैंने पहले भी दिया है, दोबारा यह न्योता देते हैं। आपके प्रशासनिक पदाधिकारी उसी क्षेत्र में ले जाएंगे जहां समस्याएं नहीं दिखेंगी और आपका एक खादिम क्षेत्र का और आपसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आपसे निवेदन करता है, आप जरूर इसे स्वीकार करें।